हैं और उबैद के साथ फ्रंट सीट पे बैठे हैं, बहुत ज्यादा खुश। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज टीम इंस्टाग्रामर जो कि बासित, माहिन और माज, माहिन मतलब मैं, हम तीनों मिलने वाले हैं। हमारा छोटा सा गेट टुगेदर है, मैं भी हूँ और हाँ, और बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है, तो बस मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, आपको पूरा व्लॉग देखना है और बस देखते रहे। ओके बाय। लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग जाएंगे, अब देखिए कब आते हैं वो, तो जब वो आएंगे फिर आप लोग तब बात करूंगी। आ गए हैं मुझे पिक करने और आप लोग देख सकते हैं सारे दांत बाहर निकले हुए, खुशी से इतना खुश, एक्साइटेड हो रही थी, इनको रात में नींद नहीं आ रही थी। कहते आज माइंड, तुम्हें कैसे पता मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी? मुझे सब पता होता आपकी शक्ल से लग रहा है, देखें कितने डार्क सर्कल्स हो रहे, पता नहीं क्या करते रात भर, अल्लाह जाने। यार मैं जो भी करता हूँ कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलता। मैंने क्या झूठ बोले बताए? तुम बहुत झूठ बोलती हो। मैं कोई झूठ नहीं बोला, मैं बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की। सच्ची और ईमानदार लड़की तुम? जी हाँ, मैं हूँ, मैं माहिन उबैद। और आप कितने लकी हैं यार माशाल्लाह से कि आप माहिन उबैद के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, माहिन बासित रिंद के साथ? नहीं यार, मैं बोल दिया ना, अब तुम्हारे मुंह से सच्ची सच निकल गई। मैंने कहा बासित माहिन के साथ बैठे हैं और माज वेट कर रहे, जल्दी चलो। एक तो इसने इतना लेट किया है ना, कब से मैं आधे घंटे से इसके घर के बाहर वेट कर रहा था। झूठ नहीं बोले आप, मैं कब से बाहर खड़ी हुई थी, आप नहीं आए थे। अच्छा। जी हाँ ऐसा क्या, ही क्या है। बोलूं यार, तो बातें ही खत्म हो गई। हाँ तो यार माहिन, कितने फैंस रिक्वेस्ट कर रहे थे टीम इंस्टाग्रामर्स पर से हम साथ देखना चाहते हैं, और आज वो दिन है कि हम सब एक साथ हैं और माज भी वेट कर रहे हैं हमारा। बहुत इरज भी बैठी है, इरज को तो दिखाओ। हाँ, इरज भी बैठी है, मैं भूल गई थी उसको बताना, भूल गई थी उसको बताना। यार ये क्या बात हुई, उसको बताना नहीं, भूल गई थी लोगों को बताना कि इरज भी हमारे साथ, साथ देखना चाह रही थी। तो हाँ, हम लोगों ने आज सोचा, वो रिक्वेस्ट हमने सोचा आज पूरी कर दें हम लोग, क्योंकि भी कराची आए हुए थे सिर्फ माहिन उबैद से मिलने। तो खुशफहमी है आपकी? खुशफहमी नहीं, अच्छा बस कर दें। वैसे आप बहुत बाकी बहुत लगी कि आप माहिन उबैद के साथ फ्रंट सीट पे बैठे हुए, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। अपने मुँह मियाँ मिटू, आज हम जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस मैं तो रेडी हो गई हूँ और आज को पता ही नहीं होता कुछ। हाँ तो मुझे सरप्राइज है ना ये कि हम लोग कहाँ दे रहे, सरप्राइज फैंस को हम लोग दे रहे हैं कि आज हम सब मिल के साथ एक ब्लॉग बना रहे हैं। और यार मजे की बात है, तीन ब्लॉग, मैं भी एक ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ। देख लेगा माज भी, तीन ब्लॉग एक साथ बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक, लेट, थैंक यू, इस तरह की बातें आती हैं। और भी कुछ बोलो ना, लोग बोर हो रहे हैं। अच्छा बोलती हूँ ना, क्या बोलूँ मैं? तुम क्या बोलोगी, बोलो ये। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ये सॉन्ग है, कॉपीराइट लग जाएगा, माहिन हंस रही है, इरज देख रही है, लोग घूम रहे हैं, इस तरह कुछ बोलो ना यार, कुछ ना कुछ। अंकल इसने मास्क नहीं पहना। अल्लाह। अच्छा तो हम लोग पहुँच गए हैं और माँ सुपर वेट कर रहा है हमारे, तो ऊपर ही जा रहे हैं। नहीं तो आपने अपने ब्लॉग में बोला है, मैं अपने ब्लॉग में बोल रही हूँ, बहुत बदतमीज है। क्या मतलब अपने ब्लॉग में? मतलब मैं तुम्हारा हो या मेरा, तो मेरी बात काटती इन्होंने, मतलब अच्छा ये लो यार, बेवफा नहीं हूँ यार, ये खुद इसको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, पीछे पीछे आ रही है ये, तो ये है। और वासिफ, इरज दोनों साथ हैं, इन्होंने मुझे बहुत कट ऑफ कर दिया है, मैं क्या कह सकती हूँ आप लोग के सामने सब कुछ देख लें, क्या कट ऑफ कर दिया इन्होंने मुझे।
यार माइंड तुम्हें वाकई में कुछ नहीं खाना? नहीं खाना मुझे वाकई में कुछ। सर शोर है, एक मिनट तुम्हें बुला रहे, जाओ मिस्टर अहमद खान। माहिंद तुमने वाकई में कुछ नहीं खाना? नहीं खाना कुछ भी, मैं खा कर आई हूं घर से। अच्छा वैसे तो खाना देख के तुम पागल हो जाती हो। अच्छा, आपके है इस हिसाब? मेरा हिसाब नहीं है, मैंने बोला इसको खा रही। अजीब, मैंने बोल दिया मुझे खाना है ना, मुझे खाना। जी जी, अल्लाह पाक, इसके फैंस आ गए। ये देखे इनके बच्चों वाली हरकतें, क्या करते हुए रेस लगी हुई है। मास्क नाक मत कटवाना मेरी प्लीज। हम लोग इस तरह खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। उनको भी दिखाओ, उनको भी दिखाओ। वो लोग भी सेम, बहुत बुरा हाल है। कहते वक्त कोई भाईगिरी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई टीम नहीं है, सब लगे हुए अपने। सिर्फ मैं ही नहीं खा रही हूँ, बाकी बात नहीं कर सक रही हूँ। कहती है सिर्फ मैं नहीं खा रही हूँ। हाँ तो, और इसका बोल भी नहीं पा रही, इसका सांस बंद हो रहा है। झूठ नहीं बोले, मैं वाकई नहीं खा रही हूँ। और ये कुछ खा लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं खा रहा है आपने? अस्तग़फ़ार, मेरा भी खा लिया आपने तो। यार कितनी तो बदतमीज हो गई हूँ भाई। बहुत तमीज वाले, तुम जब बोल में थी तुम सही थी तब। आज हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय करा है, मैंने, बासित ने और इरश ने भी, माज ने भी, और हाँ माज से भी बहुत किया है शायद, मुझे पता नहीं। डायरेक्ट बोलो ना, हम सब ने बहुत सारा एंजॉय किया और आप लोगों ने इस वीडियो को खूब सपोर्ट करना है। और अब मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, काफी वक्त बाद हम लोग मिले थे, बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत मजा आया, सब ने मिल के बहुत सारा एंजॉय किया। और बहुत सी चीजें यार हम लोग से मिस हो गई, व्लॉग में लाने के सीन्स हम लोगों ने व्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, खुद लगे हुए थे एंजॉय करने, टाइम भी नहीं था, शॉर्ट टाइम था। चलो माइंड फौरन से उतरो, मुझे लेट हो रहा है। खुद नहीं करी, मुझे बोल रही है, मतलब शर्म करनी चाहिए। पापा ने पराठों की फरमाइश करी ना, पराठे खाऊंगा, मेरे अच्छे हाथ के लच्छे दांत बनेगा, तुम माटा बस कर दो। सारे काम मैं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ बातें बनाना आती है इसको और कुछ भी नहीं आता। जरा बताओ कैसे बनते हैं, फिर जो भी है मैं आटा गूंदू। हर पराठे से ऐसा लग रहा, पता नहीं है हलीम है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। मैं वैसे बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, उसको मैं सिखा रही हूँ आजकल। अगर आप भी चाहते हैं तो वैसे आप लोगों को नहीं सिखाऊंगी मैं। अच्छा जी, तो मैं ये खोने लगी हूँ, इधर सीख लो तुम कुछ। अच्छा तो खैर मैं भी आटा गूंदी, मुझे लगा ज्यादा पानी डल गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सही है। आटा सिखाया था, ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा तो खुद कर लो ना तुम, आओ करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही करो, वैसे ही करो। गुड, हमें बाजी इरश बहुत, ये बहुत काम चोर है, कोई काम नहीं करती। आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा शायद, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा जी, तो ज्यादा पानी डालने के बाद ये कुछ हो गया, मैंने प्रॉमिस, मुझे बहुत अच्छा काटा था आटा गूंदना, आटा प्रॉमिस आई गॉट। ये अभी मुझे नहीं पता क्या हुआ, आटा डाल दो ना, मुझे डालना इसमें, पता नहीं आटा क्या हो गया, कुछ नहीं आता। फिर तमीज से हो, जल्दी करो ना यार, इतना लेट कर रही हूं, छोड़ो। नहीं मम्मा, मम्मी ने मुझे करना था, ये स्नैप बनाने के लिए यार। तो तुम स्नैप के लिए काम करती हो, लेकिन मैं घर के लिए काम करती हूँ। अब लगता है कुछ ठीक होने लगा है। सो फाइनली मैंने आटा घूम चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर, जिस तरह आंटियाँ घूमती हैं मैं भी वैसे ही कोशिश करूँगी अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। ना मैं चेक करूँ, मैंने सिखाया था, मैं चेक ही नहीं कर रेस्ट वाले, सब कुछ पता चल जाएगा, लोगों को तुम्हें कोई काम नहीं आता। इसी के साथ मैं ब्लॉग
एंड करने का सोच रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया मुझे ब्लॉग एंड करना होगा। सो आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब कुछ करना है जल्दी जल्दी से। और अल्लाह हाफिज़।